ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती विवाह, उनके साथ जन्म और सात वचन, यही आज का हमारा विषय है। कल महाशिवरात्रि है और आप सब बहुत बिजी होंगे, बहुत सारे काम करने होंगे, इसलिए मैं अपनी बात को बहुत छोटे में रखना चाहता हूँ कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह महाशिवरात्रि को जो हुआ है और हर साल हम लोग मनाते हैं, उसके विषय में मैं कहना चाहता हूँ कि सृष्टि का अगर कोई पिता स्वरूप है तो भगवान शिव है, और पूरे सृष्टि में अगर कोई माता स्वरूप है तो माता पार्वती है, और कल उन परम पिता और परम माता का विवाह समारोह है। आज मैंने भी देखा मंदिरों में, लाखों मंदिरों में सजावट का काम चल रहा है, और कल हम सब उत्सव मनाएंगे, और मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म महाशिवरात्रि को हुआ था, तो कल मेरे लिए 50वां जन्मदिन भी होगा, और मैं कल के वीडियो में आप सभी से बहुत बहुत आशीर्वाद मांगने वाला हूँ। तो पहली बात तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये सात जन जो कहते हैं कि उससे पहले विवाह के दृश्य को समझिए। भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह होता है वो कथा सभी जानते हैं, क्योंकि पार्वती माता बिल्कुल जिद पड़ गई थी कि वो भगवान शिव से शादी करेंगी, और इसके लिए नारद मुनि उनको आकर के समझाते हैं कि देखो वो थोड़ा सा उटपटांग आदमी है, भगवान शिव की बहुत बुराई करते हैं, वो पागल है, बौड़ा है, भोजपुरी में लोग कहते हैं, वो थोड़ा सा भस्म वगैरह लगाते रहता है, वो कहीं का राजा नहीं है, वो धनवान नहीं है, इतनी सारी बुराइयां लोग करते हैं भगवान शिव के खिलाफ, लेकिन माता पार्वती का एक ही जिद है कि शादी तो उनको भोलेनाथ से ही करनी है, और फाइनली उनकी शादी होने वाली जो रहती है। तो जब बारात निकलता है तो मैं आपको ध्यान देना चाहता हूँ कि अच्छे लोगों के बारात में अच्छे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, बुरे लोग के बारात में बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन भगवान शिव एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके बारात में देवता भी है, राक्षस भी है, भूत प्रेत भी है, यक्ष है, गंधर्व है, गण है, सब कोई है। एकमात्र ऐसा प्रतीक है भगवान शिव जिनके विवाह में हर तरह के लोग, भूत प्रेत और देवी देवता सब आए हुए हैं। इसको आप समझिएगा कि भगवान शिव का कैसा चरित्र चित्रण है कि उन्हें सब तरह के लोग पसंद करते हैं। खैर, अब मैं सीधे बात पर आता हूँ कि कहा जाता है कि माता पार्वती ने 7 बार जन्म लेकर के भगवान शिव को प्राप्त किया। एक मैं थोड़े सा समय आपसे चाहता हूँ, पीछे बैकग्राउंड में आपको भजन सुनाई पड़ रहा होगा, कीर्तन सुनाई पड़ रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, होने दीजिए। मेरी अपनी शादी जो हुई थी, मैं 1-2 मिनट बताना चाहता हूँ कि शिव और पार्वती कैसे संयोग मिलाते हैं। मेरी शादी किसी व्यक्ति ने नहीं करवाई थी, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से संयोग की बात है, लव मैरिज भी नहीं है। वो मेरे जीवन में मैंने जितनी शादियाँ देखी है, कोई ना कोई मध्य में व्यक्ति होता है जो वधु पक्ष को अवर पक्ष को जानता है, लेकिन मेरी शादी भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से बहुत ही अलग ढंग से हुई है। मेरे माँ पिताजी 2002 में कहीं छपरा से मौज एक्सप्रेस से आ रहे थे, इतनी लंबी ट्रेन में जिस सीट पर मेरे माता पिता बैठे थे उसके बिल्कुल अपोजिट सीट पर एक और पति पत्नी बैठे हुए थे, और खिड़की वाले सीट के लिए मेरी माँ में और उस महिला में झगड़ा हो गया। समझौता कराने के बाद वहीं पर से धीरे धीरे बात चलने लगी, और ट्रेन खुलने के बाद सब कुछ सेटल हो जाता है, और बात चलने लगी कि भाई मेरे पास एक लड़का है, बेटा है मेरा, मुंबई में काम करता है वगैरह वगैरह, और उन्होंने ये बताया कि उनकी एक बेटी है, और बेटी के बारे में उन्होंने बताया, और पूरे ट्रेन के यात्रा में दोनों परिवार एक दूसरे को खाते खिलाते धनबाद तक पहुँचे, और पूरे ट्रेन में मेरी शादी लगभग तय हो गई। फिर यहाँ आने के बाद ये लोग मिले परिवार से, और मेरा और मंजू देवी का विवाह संपन्न हुआ। जरा सोचिए, उसी तारीख को दोनों परिवार क्यों सफर कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, इसी को कहते हैं संयोग, विधि, ईश्वर की इच्छा। मेरी शादी किसी आदमी ने नहीं कहा कि चलिए आपके पास बेटी है, इसके पास बेटी है, मेरी शादी उस तारीख को ही दोनों परिवार यात्रा कर रहे थे, उसने बड़े ट्रेन में उसी कंपार्टमेंट में दोनों परिवार बैठे हुए थे, और इतने बड़े 72 सीट वाले कंपार्टमेंट में 2 आमने सामने के सीट में ये दोनों परिवार बैठा हुआ था। इसलिए मैं जब भी अपनी शादी की सोचता हूँ तो मुझे विश्वास हो जाता है कि दुनिया में ईश्वर है, शिव है, माता पार्वती है। आज का महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है कि माता पार्वती ने 7 बार जन्म लिए और शिव को प्राप्त किया। चलिए, एक बात तो समझ में आता है कि शिव ने प्रतीक्षा किया होगा। माता पार्वती के देहांत के बाद, उनके मरने के बाद, क्या भगवान शिव दूसरी शादी कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव धैर्य रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और माता पार्वती उन्हें मिल जाती है, 1 बार नहीं बल्कि 7 बार। यही आज के मेरे वीडियो का विषय है कि आज के युग में कोई पति की पत्नी अगर मर जाती है या कोई पत्नी का पति मर जाते हैं तो हम लोग धैर्य और प्रतीक्षा खो देते हैं,
और जो कोई भी मार्ग अपनाना चाहे, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन भगवान शिव की विशेषता है कि उनकी पत्नी उनके सामने जब मरती है 7 बार, तो हर बार अपनी पार्वती जी का प्रतीक्षा करते हैं और धैर्य रखते हैं। और इसका आध्यात्मिक जो मूल्य है, कृपया उसको जरूर समझिए। 7 जन्म का आध्यात्मिक मूल्य होता है, इसको मैं एक ही मिनट में बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग को यह विषय अच्छा हो सकता है न लगे। भगवान शिव और पार्वती को आध्यात्म का शिखर कहिए। आध्यात्म का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती से होता है। 7 जन्म मतलब 7 चक्र। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वो किसी जानकार व्यक्ति से पूछ लीजिएगा। मूलाधार होता है, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान होता है, उसके ऊपर मणिपुर होता है, उसके ऊपर अनाहत होता है, उसके ऊपर विशुद्ध होता है, फिर अज्ञात चक्र, फिर सहस्र। 7 चक्र को पार करके कोई व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है, यानी कि शिवत्व को प्राप्त करता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये होता है कि ये माता पार्वती 7 बार जन्म लेकर के अब शिव के बराबर में आ जाती है और दोनों शिव पार्वती एक हो जाते हैं। ये तो आध्यात्मिक अर्थ है। हमारे भी यहाँ भी जब कोई लड़का या लड़की की शादी होती है तो शुरू से ही भगवान शिव और माता पार्वती से उस शादी को जोड़ा जाता है कार्ड में, और जगह जगह भगवान शिव का नाम लिया जाता है। उनके हम लोग के शादी के गीत में स्त्रियाँ माता बहनें शिव पार्वती के गीत गाती है। उसके पीछे वही उद्देश्य है। शादी का, विवाह का जो भारत में एक ही उद्देश्य रहता है कि पति और पत्नी मिल करके मोक्ष को प्राप्त करें, परम अवस्था को प्राप्त करें। विवाह का साधारण अर्थ बाकी दुनिया के सभी देशों में है कि विवाह शरीर की जरूरत है, विवाह मन की जरूरत है, विवाह एक दूसरे आदमी को एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए लोग विवाह करते हैं। लेकिन केवल भारत एक ऐसा देश है जहाँ शिव पार्वती से लेकर के आज तक पति पत्नी विवाह करते हैं, न सिर्फ संतान के लिए, न सिर्फ सुख के लिए, बल्कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ये 7 जन्म का अर्थ डिटेल में कभी और बात होगी। और अगली बात जो हमारे पास आती है, भगवान शिव का आपने अर्ध नरेश्वर रूप देखा होगा। किसी किसी फोटो में आप देखते होंगे आधा भगवान शिव है, आधा माता पार्वती है। यही बहुत बड़ा संदेश है मेरा। अगर शिव को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक मनुष्य शिव का ही रूप है, भले ही वो शरीर से भिन्न है, मन से भिन्न है, आत्मा के तल पर सब एक है। और भगवान शिव प्रत्येक पुरुष आध्यात्मिक मार्ग पर अपने आप को शिव मानकर चले, और प्रत्येक स्त्री अपने आप को पार्वती मान करके चले। खास करके पति पत्नी के बारे में मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को शुरू में अंश रूप में ही पति अपने आप को शिव मानकर चले और शिव के बनाए हुए आदर्शों पर चले, और हर पत्नी अपने आप को अपने पति की पार्वती मानकर चले, उनके आदर्शों पर चले, आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अर्ध नरेश्वर रूप को याद रखिएगा, हर पति के लिए उनकी पत्नी उनकी अर्धांगनी है, और हर पत्नी के लिए उनका पति उनका आधा अंग है। अगर ये बात आप दोनों आज महाशिवरात्रि के दिन आप समझ जाते हैं तो पति पत्नी का प्रेम इतना गहरा हो जाएगा कि वही आपको परम मोक्ष तक पहुंचा देगा। और हमारी अगली बात है और आखिरी बात है 7 वचन। भगवान शिव ने माता पार्वती को क्या वचन दिए होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम लोग जब शादी करते हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो पति पत्नी को एक दूसरे को 7 वचन देते हैं। मुझे तो सारे वचन याद भी नहीं है, लेकिन आज महाशिवरात्रि के पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को जो 7 वचनों को मैं 7 वाक्यों में कहना चाहता हूँ, जो मेरे अपने हैं, कृपा करके कृपया इसे सुन लें। उसके बाद आज का जो कथा हम लोग का यही समाप्त होगा। सबसे पहला वचन होना चाहिए, हर पति अपने पत्नी को प्रेम करे। आप कहेंगे हम सब तो करते ही हैं। हर पति अपने पत्नी को प्रेम करे, हर पत्नी अपने पति को प्रेम करे, न सिर्फ शरीर के तल पर, न सिर्फ मन के तल पर, बल्कि आत्मा के तल पर भी। ये मेरा पहला वचन, हर पति अपने पत्नी को दे और हर पत्नी अपने पति को दे, कि आज से पति पत्नी का प्रेम शरीर मन और आत्मा के तल पर होगा, प्रेम 100% होगा। दूसरा वचन जो होना चाहिए, पूरा स्वीकार करें। एक पति अपने पत्नी को उसके अच्छाई बुराइयों सहित पूरा स्वीकार करें, तब आपका जीवन, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। सभी व्यक्ति में कमी होती है, अगर पति को कोई कमी अपने पत्नी में दिखती हो तो कृपया उसे सुधारें या कुछ भी करें, मगर स्वीकार करें, क्योंकि आपकी पत्नी ही आपकी पार्वती है। और एक पत्नी के लिए भी मैं वही संदेश करना चाहता हूँ कि एक पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, पति ही उसका शिव है। हर पत्नी अपने पति को पूर्णता से स्वीकार करें, उसमें अच्छाई है, बुराई है, क्रोध है, गुस्सा है, जो कुछ भी है उसके सहित स्वीकार करें, तभी आप उन दोनों में जरूरत पड़ेगी तो परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो मेरा दूसरा संदेश है, दूसरा वचन रहेगा पति पत्नी के लिए, ये एक दूसरे को पूर्णता स्वीकार करें। और तीसरा वचन है धैर्य और प्रतीक्षा। पति और पत्नी में आज 2023 के संदर्भ हो या शिव पार्वती के बीच का कथा हो,
पति पत्नी के बीच जब भी कभी कुछ झगड़ा झंझट हो जाता है, कुछ शब्द आदान प्रदान हो जाता हो, कृपया धैर्य रखें। यही पत्नी जो आपकी पार्वती है, कुछ देर बाद सब ठीक हो जाएगा। और पत्नी भी वही करें, जब भी पति गुस्से में आ जाते हैं, कुछ भी होने लगता है, तो पत्नी भी धैर्य रखे, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि देश के करोड़ों लोग जिन्होंने धैर्य नहीं रखा, उनका मामला वकील तक, अदालत तक और तलाक तक चला जाता है। लेकिन हम लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हर पति अपने पत्नी के लिए शिव है और हर पत्नी अपने पति के लिए पार्वती है। अगर पति और पत्नी धैर्य रखे और प्रतीक्षा कर सके तो आपका घर स्वर्ग है, आपका जीवन स्वर्ग है। और चौथा वचन है सुख दुख के साथी। ये आज की भी जरूरत है और भगवान शिव और पार्वती की कथा में आपने बहुत बार देखा होगा, जहाँ जहाँ भगवान शिव को आवश्यकता पड़ती है वहाँ माँ काली उनकी सहायता करने आती है। और कई कथाओं में भी ऐसा है जहाँ माता पार्वती वचन देकर कहीं फंस गई हैं, वहाँ भगवान शिव आते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो आज ये आपका ये चौथा वचन होना चाहिए पति पत्नी का, कि पति के जीवन में सुख आए, कभी गरीबी के दिन आए, कभी कोई परेशानी के दिन आए, तो उसमें पति का साथ देना चाहिए। यही कारण है कि रावण की पत्नी मंदोदरी को सती का दर्जा दिया गया। मंदोदरी जानती थी कि रावण कहीं कहीं गलत है, फिर भी उन्होंने पति को छोड़ा नहीं था, इसलिए मंदोदरी सती कहलाती है। आज मैं वही बात करना चाहता हूँ कि हर पति पत्नी दुख में, गरीबी में, संकट में एक दूसरे का साथ दे। पति के ऊपर कभी नौकरी छूट जाती हो, कभी पैसे की समस्या हो, कोई और बात हो, तो उसे छोड़ देना फिर पति पत्नी और शिव पार्वती को आप समझे ही नहीं। तो ये आपका चौथा वचन है, कितना भी दुख आए, संकट आए, पति का साथ देना है, और कितना भी दुख आए और सुख आए, पत्नी का साथ देना है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि मैं एक दो बार इतना बुरी तरह से मुझे परेशानी हुई है, मेरी पत्नी ने मुझे 100% सहयोग किया है। मेरे लिए मेरी मुन्नी सिंह ही मेरी पार्वती है। और पांचवा वचन जो होना चाहिए, रोग में साथ दीजिए। सबसे मुश्किल बात होता है अगर कभी पति को शारीरिक रूप से रोग हो जाता हो, एक्सीडेंट होता हो, चोट लग जाता हो, तो डॉक्टर और नर्स के सहारे वो तो अलग डिपार्टमेंट है, एक पत्नी के लिए उसका पति ही उसका शिव है, पूरा समर्पित हो जाए, याद रखें। और बिल्कुल कोई दूसरी अपोजिट परिस्थिति आती है जहाँ पत्नी को कोई दुख होता हो, कष्ट होता हो, तो पति डॉक्टर नर्स से बढ़कर अपने पत्नी का सेवा करें। ये होना चाहिए पांचवा वचन कि पति अपने पत्नी का रोग बीमारी में, क्योंकि रोग बीमारी जीवन भर लगा ही रहता है, पति अपने पत्नी का और पत्नी अपने पति का साथ डॉक्टर और नर्स से बढ़कर साथ दे। और जो छठा वचन होना चाहिए, जो कुछ भी डिसीजन लिया जाए एक दूसरे की सहमति से लिया जाए। आज अगर पश्चिम में या भारत में परिवार बिखरा है तो इसका एक कारण यही है कि पति जो करना चाहता है पति उससे एग्री नहीं है, या पत्नी जो कुछ करना चाहती है उससे पति एग्री नहीं है। आप दोनों कोई भी कदम उठाएं, महत्वपूर्ण कदम उठाएं, तो कृपया एक दूसरे को राजी करें, एक दूसरे की सहमति से करें। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और पत्नी अगर एग्री नहीं है तो हो सकता है प्लान में कहीं कमी है, या पत्नी कुछ स्टेप लेना चाहती है और पति एग्री नहीं है तो हो सकता है कहीं खटपट। आप दोनों मिल करके सहमति से चले, अगर पति पत्नी एक दूसरे की सहमति से चलेंगे परिवार कभी नहीं टूटेगा, और वही घर आपको देख कर लोग कहेंगे ये रहा शिव पार्वती का जोड़ा। और सातवां वचन जो बहुत महत्वपूर्ण है और अंतिम है, हर पति अपने पत्नी को ध्यान सिखाए। मेडिटेशन ही आपको बता सकता है आदमी को उसके पार देखने की कला। एक ध्यानी पति ही अपनी पत्नी में पार्वती को देख सकता है, एक ध्यानी पति ही अपने बच्चे में भगवान कृष्ण को, भगवान राम को देख सकता है। और जब पत्नी भी ध्यान करेंगी तो पत्नी को अपने पति में परमेश्वर दिखाई पड़ेंगे, शिव दिखाई पड़ेंगे, उसी पत्नी को अपने बच्चे में भगवान राम और भगवान कृष्ण दिखाई पड़ेंगे। तो ये सात वचन है, इसे अगर फिर से सुनना हो तो वीडियो को देख लीजिएगा दोबारा। और आप सभी ने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक निवेदन मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें आप लोग। पिछला वीडियो मेरा था रोग और एक्सीडेंट को भगवान शिव रोक सकते हैं। और अब कल महाशिवरात्रि है, कल इस सीरीज पर मेरा अंतिम वीडियो रहेगा, और कल मेरा जन्मदिन है, उसके लिए मैं आप सभी को फिर से निवेदन करूँगा कल मुझे अपना आशीर्वाद देने को तैयार रहें। महाशिवरात्रि आप सभी पति पत्नियों के लिए, एक दूसरे में हर पति को अपने पत्नी में पार्वती दिखाई पड़ जाए ये मेरा प्रयास है, मेरा सपना है, और हर पत्नी को अपने पति में शिव दिखाई पड़े ये मेरा प्रयास है, मेरा सपना है, कृपया मेरा सपना पूरा करें। सभी पति पत्नियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
हर पति शिव हो जाए अपने पत्नी के लिए और हर पत्नी पार्वती हो जाए अपने पति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमः शिवाय।